सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल जियाल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपने गांव को दिखाऊंगा। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है जो शिकरी धार के नीचे पड़ता है। मेरे गांव से शिकरी धार काफ़ी करीब है, तो आइए देखते हैं मेरे गाँव को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे घर से। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है मेरा एक छोटा सा घर। दोस्तों ये है कंडाली की सब्जी, जिसे हमारे चंबा में ऐन बुलाते हैं तथा उत्तराखंड में कंडाली, इसे बिच्छू बूटी भी बुलाते हैं। खाने में बेहद टेस्टी होती है। दोस्तों ये है हमारा सार्वजनिक पनियारा, जो हमारे गांव के लोग हैं यहां पर आकर वो पानी भरते हैं। तो आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे। तो दोस्तों ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये है शिकरी धार, और ये जो सामने आप जहाँ पर आपको बर्फ भी दिखाई दे रही है, ये है मिनी कैलाश, जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार के से है कि भगवान शिव जब कैलाश पर्वत पर जाने लगे थे तो पहले यहाँ पर भी आए थे। तो इस पर मैं एक नेक्स्ट टाइम बड़ी वीडियो बना दूँगा, वहाँ पर आपको मैं इसकी पूरी हिस्ट्री समझा दूँगा। तो मेरे गांव से ऊपर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, आप देख ही सकते हैं। तो अगर नेचर की बात करें तो काफ़ी हद तक ब्यूटीफुल सामने आते हैं पहाड़। तो गांव से अगर मैं नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का व्यू सामने आता है, देख ही सकते हो आप। तो दोस्तों गांव का व्यू दिखाने के बाद अब दिखाता हूँ मैं आप सभी को नाग मंदिर, जो कि मेरे घर से नीचे पड़ता है। आइए दिखाता हूँ मैं आप सभी को नाग देव का मंदिर। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ये है नागदेव का मंदिर जो कि काफी पुराना है। आइए मैं आपको नागदेव के दर्शन करवा देता हूं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।